कुछ एबीसी न्यूज एजीटी लाइव। ये है एबीसी न्यूज एजीटी लाइव। दिस इज एबीसी न्यूज एजीटी लाइव। साथियों, ये किसान आंदोलन जरूर जीता, लेकिन सभी सवाल हल हुए क्या? सभी सवाल हल नहीं हुए। न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल, जिसको एमएसपी बोलते हैं, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये नव उदारवादी नीतियों के चलते जो नीतियां कांग्रेस सरकार ने लाई 1991 में, आगे बढ़ाई, और अभी 2014 के बाद ये मोदी सरकार ने ये नव उदारवादी नीतियों को बहुत ही बड़े गति से आगे बढ़ाया। इनकी वजह से क्या हुआ? पिछले 25 सालों में, मैं जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनिए, पिछले 25 सालों में 1995 से लेकर 2020 तक हमारे देश के 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। 4 लाख किसानों की आत्महत्या पिछले 25 सालों में, और उनमें से 1 लाख किसानों की आत्महत्या सिर्फ मोदी सरकार के, भाजपा के सरकार के पिछले 7 सालों में, 1 लाख से ज्यादा। क्या कारण है, क्या वजह है? पहले कभी नहीं हुआ करती थी। कर्ज बाजारी की वजह से किसान कर्जे में डूब रहा है। कर्जा कैसा वापस दे, कोई उसको रास्ता नहीं दिखता, तो एक तो वो आत्महत्या करता है, या तो दूसरा क्या करता है, जो आत्महत्या नहीं करता, कर्जा तो वापस देना पड़ता है, उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती है कर्जा चुकाने के लिए। और किसान लाखों की तादाद में हमारे देश में, हमारे अखिल भारतीय किसान सभा ने इसका स्टडी किया, लाखों की तादाद में आज किसानों ने अपनी जमीन बेची कर्जे को चुकाने के लिए, और वो खेत मजदूर बन गए। यह है सच्चाई आज देश की।